एपिसोड 1 में हमने सम्यक ग्रुप बेंगलुरु द्वारा चल रहे प्रोजेक्ट कनेक्ट के बारे में जाना था। अब इसी ग्रुप के द्वारा चल रही एक और महत्वपूर्ण योजना प्रोजेक्ट सम्यक श्रुत सागर के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत है एपिसोड 2। इस संपूर्ण विषय को सिर्फ 10 पॉइंट्स में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रोजेक्ट सम्यक श्रुत सागर यानी कि एक कदम पाठशाला की ओर। पॉइंट नंबर 2, ये प्रोजेक्ट अनेक आचार्य भगवंतों की प्रेरणा से किया जा रहा है। इस योजना में बैंगलोर के समस्त श्री संघों की पाठशाला में अपने अपने संघ के बैनर के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, इस प्रोजेक्ट के तहत पाठशाला का नवीनीकरण करने का प्रयास मुख्य उद्देश्य है। पाठशाला को टेक्नोलॉजी से जोड़ना और बच्चों में रुचि जागरूक करना भी इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। पॉइंट नंबर 4, समस्त पाठशाला को एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से जोड़ना, बायोमेट्रिक्स और वेब ऐप द्वारा मॉनिटर करना, जिससे बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी उनके माता पिता, संघ और गुरुजी को आसानी से प्राप्त हो सके, ये सब कार्य इस प्रोजेक्ट के तहत किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, एक और कार्य इस प्रोजेक्ट के नेतृत्व में होगा। जहाँ पर पाठशाला नहीं है वहाँ पर वहाँ के संघ के साथ मिलकर पाठशाला का निर्माण करवाने का कार्य किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, पाठशाला का इंटीरियर 5-स्टार कैटेगरी की तरह अपग्रेड करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक मॉक पाठशाला यानी कि सैंपल पाठशाला बैंगलोर के विविपुरम इलाके में बनकर रेडी है। ये संपूर्ण कार्य संघ की सहायता से हो रहा है। पॉइंट नंबर 7, नई पीढ़ी में उत्साह बढ़ाने के लिए अनेक गिफ्ट्स, बम्पर प्राइजेस, स्पेशल क्लासेस, वीकेंड क्लासेस, जूनियर कुकिंग क्लासेस, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, डिबेट्स, तीर्थ यात्रा, म्यूजिकल क्लासेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस को भी पाठशाला में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 8, जैन धरोहर के इतिहास से परिचित करवाने का कार्य, गुरु भगवंतों के लिए ज्ञान की व्यावच करने की व्यवस्था, ज्ञान भंडार का निर्माण करवाना, अबैकस की स्पेशल क्लासेस अरेंज करवाना आदि ऐसे अनेक कार्य करने के प्रयास भी इस ग्रुप के द्वारा जारी है। पॉइंट नंबर 9, ये ग्रुप सभी से निवेदन करता है कि आप स्वयं अपने परिवार को इस प्रोजेक्ट में जरूर जोड़े और अन्य लोगों को भी जुड़ने की प्रेरणा दे। पॉइंट नंबर 10, ग्रुप द्वारा समस्त पाठशालाओं में फॉर्म्स उपलब्ध करवाए गए हैं और इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी अपडेट्स पाने के लिए आप ग्रुप के YouTube चैनल सम्यक ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली प्रस्तुति में हम इस योजना के लिए फॉर्म्स की उपलब्धता और फॉर्म्स कैसे भरने हैं आदि ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिक जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर व्हाट्सएप के द्वारा आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं।